तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने मोबाइल पियानो के ऊपर सीखने वाले हैं सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस गाने को अपने मोबाइल पियानो के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में आपको परफेक्ट पियानो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे ओपन कर लेना है। फिर उसको आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है C4 से F5 तक। देख लीजिए आपको किस तरीके से सेट करना है। तो गाना शुरू होने से पहले जो आलाप है उसे किस प्रकार से बजाना है सोलो में करके सीखते हैं। सोलो में करके समझिए किस तरीके से बजाना है। एक बार और सीखते हैं किस तरीके से प्ले करना है। F7 नोट से प्ले कर रहे हैं। आपको ऊपर गाने के नोटेशन देखने को मिलेंगे किस तरीके से बजाना है। फिर इसके बाद गाने के मारे लिरिक्स चालू हो जाएंगे। तो गाना किस प्रकार से है किस तरीके से बजाना है सोलो में करके सीखते हैं। जीता तो जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। पहले इतना सीखेंगे। फिर इसके बाद एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। इस वाली लाइन को किस तरीके से बजाना है। सोलो में करके एक बार और समझते हैं। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्तों इस गाने का अस्थाई पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अस्थाई पाठ बजाना समझ में आया होगा। तो अब बढ़ेंगे इस गाने के अंतरे की तरफ। पर अंतरे में बढ़ने से पहले एक बार हम इस गाने के अस्थाई पार्ट को पूरा रिपीट करेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से इस गाने का अस्थाई पार्ट बजाना समझ में आ जाए। तो अब इस गाने का अंतरा किस प्रकार से बजाना है सोलो में करके अंतरे को आप समझते हैं। इतनी मोहब्बत है मेरे दिल में कैसे दिखाऊं उसे।
कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। किस तरीके से इस लाइन को बजाना है सुर में करके समझते हैं। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। सुर में करके समझते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली लाइन है सेम पैटर्न के ऊपर, बस उसके लिरिक्स बदलेंगे। लिरिक्स मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हैं। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। फिर इसके बाद जो अगली लाइन है उसे किस प्रकार से बजाना है। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। किस तरीके से बजाना है सुर में करके समझते हैं। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। किस तरीके से बजाना है सुर में करके सीखते हैं। फिर इसके बाद हो हो, और फिर से वही लाइन। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो दोस्तों इस गाने का जो हमारा अंतरा है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंतरा बजाना समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको और अंतरा सुर में करके सिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको अंतरा बढ़िया तरीके से बजाना समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट करके अंतरे को रिपीट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों आज का जो हमारा गाना है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने मोबाइल पियानो हारमोनियम कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आया होगा। अगर वीडियो के माध्यम से आपको ये गाना बजाना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो से अगर कोई हेल्प भी मिली हो तो भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर हमारे नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दीजिएगा। अगर आपको मोबाइल पियानो के ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और पियानो टॉपिक के साथ। तब तक आप इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से रियाज करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।